हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला कैसे बना, जो इनवेरिएबली हर स्कूल के यूटी में या एनुअल एग्जाम में आता है, उसे मैं डिराइव करना सिखा रहा हूं। कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी, या लैंग्वेज में ये आ जाए कि प्रूव दैट फॉर ए मूविंग बॉडी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो कैसे करना है मैं कंप्लीट आपको सिखाता हूं इस वीडियो में। और ये यूजुअली 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो इसे जरूर सीख लेना। देखिए, एक स्केच आप ये बनाओगे सिंपली कि सपोज एक बॉडी एट रेस्ट है, ओके, आई विल राइट यू जीरो है। देन उसके बाद लिखना है लेट अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एंड बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस एस बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी। तो ये सारा लैंग्वेज में नरेट करना पड़ेगा कि लेट अ बॉडी ऑफ मास एम इज एट रेस्ट, आगे लिखना है लेट अ फोर्स एफ इज अप्लाइड, फोर्स एफ विच प्रोड्यूसेस अ एक्सेलरेशन ऑफ ए इन द बॉडी एंड एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, तो इसको स्टार्ट करना है वर्क की डेफिनेशन से। तो वर्क की डेफिनेशन आपको मैंने लास्ट वीडियो में दे दी है कि वर्क इज सेट टू बी डन इफ फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो वर्क इज सेट टू बी डन इफ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब आपने सेकेंड चैप्टर में न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है, उसमें एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो कि आपके पिछले चैप्टर में आ चुका है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वी पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, देन एक्सप्रेशन बिकम्स वर्क इज इक्वल टू एफ की जगह पुट कर ले एम ए, एम ए इंटू एस, और इट कैन बी रिटन एज एम इंटू ए इंटू एस। इसे रोक दें, ये इक्वेशन बाद में काम आएगी। सपोज इक्वेशन नंबर 2 है, उसके बाद तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वो फर्स्ट चैप्टर में कवर हो गई हैं, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से आपको ये देखना कि कौन सी सूटेबल है। जैसे आपको मैंने बताया बॉडी एट रेस्ट तो यू जीरो, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी, तो देयरफॉर डिस्टेंस एस और एक्सेलरेशन ए। तो इसके बाद लिखना है बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यू नो इट वेरी वेल क्योंकि वो पहले कवर हो चुकी है, वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। अब इसके अंदर क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो ये जीरो हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू ए एस, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, और वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ए एस। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर बता दूं इक्वेशन नंबर 1 बनी है वर्क की डेफिनेशन से, इक्वेशन नंबर 2 फोर्स एफ इज इक्वल टू एम में पुट करके बनी है ये वाली, और इक्वेशन नंबर 3 बनी है ए एस की वैल्यू। इसके बाद लिखा जाएगा पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 2, तो ये बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू एम तो एज इट इज, और ए एस की जगह वी स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर बाय 2, और जिसे सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि हाफ इस तरह से आएगा और एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर। और लास्ट में एक लाइन ये जरूर लिखनी है कि दिस वर्क डन बाय द फोर्स इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये इसका पूरा डेरिवेशन है, आपको मैंने लैंग्वेज में शुरू में क्या लिखना है नरेट जरूर किया करो। नरेट करना मींस आपने क्या चीज क्या डिनोट कर रही है, तो ये आपको लैंग्वेज में बताना है कि लेट अ बॉडी इज एट रेस्ट, देन फोर्स एफ इज अप्लाइड एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस थ्रू एक्सेलरेशन ए एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी। ये नरेट करने के बाद ये सारा इसका कंप्लीट प्रूफ है कि हाउ हाफ एम वी स्क्वायर डिराइव हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी का इतना ही पार्ट है अभी, इस पे बेस न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एनसीईआरटी वाले बाद में कवर होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करो, और सलूजा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।